मित्रों, शिवराज जी ने बहुत लंबी बात करी है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, सबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगो युगो तक, राम भक्ति से युगो युगो तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति सबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम करकर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहां आया हूं तब मां शारदा की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की इस भूमि पर मैं मेरे जीवन में तीसरी बार आया हूं। जब जब भी आया, नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया हूं। और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण। और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घटना घोषणाएं समाप्त हो चुकी। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अंत्योदय, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था। और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर करो तो जरा, दोनों टीका लगाए ना? एक पैसा देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई
कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में